दूसरा, जिन्हें मधु के नाम से जाना जाता है, एक भारतीय फिल्म अभिनेत्री है जिन्होंने बॉलीवुड सिनेमा में काम किया है और अपना करियर के दौरान अद्भुत प्रदर्शन किया है। इसके अलावा उन्होंने तमिल, तेलुगु, कन्नाड़ा और मलयालम सिनेमा में अपनी पहचान बनाई है। वह मुख्य रूप से फिल्म फूल और कांटे के लिए जानी जाती है, जो कुक्कू कोहली द्वारा निर्देशित थी और यह 1991 में रिलीज हुई थी। फिल्म में उन्हें मुख्य अभिनेत्री के रूप में अजय देवगन के साथ काम किया है। 1991 में उन्होंने अपने करियर की शुरुआत तमिल डेब्यू फिल्म अजहगाना से की, जिसमें उन्होंने सपा की भूमिका निभाई थी। बाद में उसी वर्ष उन्होंने बॉलीवुड की फिल्म फूल और कांटे बनाई, जिसमें उन्होंने अजय देवगन के साथ काम किया। यह कुक्कू कोहली का निर्देशन था, जो साल की तुरंत हिट बन गई। 1992 में वह एक तमिल फिल्म रोजा में दिखाई दी, जिसमें उन्होंने अरविंद स्वामी के साथ काम किया, जबकि इसका निर्देशन मणिरत्न ने किया था और इसने राष्ट्रीय एकता पर सर्वश्रेष्ठ फिल्म का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता था। 1992 में वह एक और फिल्म योद्धा में दिखाई दी, जो एक मलयालम फिल्म थी और संगीत शिवन द्वारा निर्देशित थी। 1993 में उन्होंने एस शंकर के निर्देशन में बनी एक और तमिल हिट फिल्म जेंटलमैन में काम किया। इसके अलावा उन्हें सबसे ज़्यादा देखे जाने वाले टेलीविजन शो रंगोली की मेजबानी की, जो अगस्त 2019 से डीडी नेशनल चैनल पर प्रसारित किया गया था। हालांकि उन्होंने 55 से अधिक फिल्मों में काम किया है और 6 टेलीविजन श्रृंखला में दिखाई दी है। उन्होंने कई बॉलीवुड फिल्मों में अभिनय किया है, जिसमें वह अपने अद्भुत अभिनय के लिए लोकप्रिय हुई है। विभिन्न उल्लेखनीय उपलब्धियों के बीच मधु शाह ने फिल्म फूल और कांटे के लिए राष्ट्रीय एकता पर सर्वश्रेष्ठ फिल्म का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता है।